हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम सीखेंगे कि कैसे परफेक्टली एक मेकअप बेस बनाया जाता है, क्योंकि हमें अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारा मेकअप बेस जो है ऑक्सीडाइज होकर डार्क हो जाता है या हट जाता है फेस के ऊपर से। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेकअप करो तो आपका स्किन केयर का हमेशा ध्यान रखना है। स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम हेयर फर्स्ट यूजिंग अ सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश। ट्राई कीजिए जैसे एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं मेकअप पहले यूज़ करना, ताकि जो भी डेड स्किन सेल्स है, जो भी एक एक्स्ट्रा बम्पी लेयर बनाते हैं हमारे स्किन में, वो हट जाए और हमारा मेकअप जो है जितना हो सके स्मूथ है। अब ये है एक एक्सफोलिएटिंग टोनर जो है डर्माडॉक की ओर से, तो इसमें भी AHA और BHAs हैं, प्लस देर इज सैलिसिलिक एसिड, तो इट विल हेल्प जो मेरे क्लॉक पोर्स हैं या फिर ब्लैक हेड वाइट हेड जो भी होते हैं स्किन के मेन जगह में, जैसे नोज़ के साइड्स में जहाँ पे हमारे मेकअप जो है टोटली पैची हो जाता है, ट्राई कीजिए उसको अप्लाई करना। फिर दिस इज़ हाइलुरोनिक एसिड। तो हाइलुरोनिक एसिड ये मैंने घर पे बनाया है, आपको भी जानना है तो मेरा एक लॉन्ग वीडियो भी है इसके ऊपर, या फिर आई हैव अपलोडेड शॉर्ट्स एज वेल, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो हाइलुरोनिक एसिड जो है एक प्लम्पी लेयर देता है, ताकि जो डल स्किन होती है हमारी वो ना दिखे। तो स्किन केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं प्री मेकअप बेस पे। तो आप अगर ब्लश लगाते हैं या फिर आपको ब्लश नहीं भी पसंद, तो एक टिंट ले के आपको अपने चीक्स पे अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपका फेस जो है ब्राइट और प्लम्प दिखे। अगर आप अपने फेस पे सेम बेस कलर या फिर एक कॉन्टोर ही लगाते हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा डल दिखने लगता है। सो ट्राई टू अप्लाई अ ब्लश इफ़ यू वांट टू ब्राइटन योर स्किन टोन। तो हमने अभी तक किया है स्किन केयर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हमारा जो बेस है वो स्मूथ हो। अब हम करेंगे द बेस। तो बेस के लिए प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बात अलग है अगर आप घर में रहो तो, हम घर में अगर फ़ोटोशूट या कुछ कर रहे हो सो नो नीड, मगर अगर प्राइमर अप्लाई करते हैं तो प्राइमर के जो सिलिकॉन्स जो होते हैं वो हमारे पोर्स को फिल कर देते हैं, तो जो एक रेसिड्यू होता है, जो खालीपन होता है फेस में, वो नहीं आता। प्लस अब जब फाउंडेशन अप्लाई करो, मेक श्योर कि उसको ब्लेंड करने से पहले आप थोड़ी सी अच्छे से उसको स्प्रेड कर लो। तो मेरे पास अभी ये जो फाउंडेशन है, ये स्विस ब्यूटी का प्राइमर है, सॉरी फाउंडेशन है, तो इट हैज़ ऑलमोस्ट फिनिश्ड। आई रियली लाइक दिस फाउंडेशन, बट इस फाउंडेशन का प्रॉब्लम था ये स्टे नहीं होता, मगर वी कैन मेक इट स्टे। एंड ऑल्सो जैसा कि आपको दिख रहा है, ये फाउंडेशन मेरे शेड से दो शेड लाइट है, तो आई ऑल्सो रिकमेंड टू यू गाइज कि यूज़ वन और टू शेड लाइटर देन योर फेस योर फाउंडेशन, क्योंकि आप जब आपका सेम फाउंडेशन इस्तेमाल करते हैं तो समहाउ व्हेन यू फील डल ऑन योर स्किन, तो वो एक सेम सा ही कलर रह जाता है, तो वो डल जो एक फिनिश होती है, डलनेस आ जाता है आपके चेहरे पे, वो हटाता नहीं है। तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट वन शेड लाइट फाउंडेशन यूज़ करने का, तो आप जब भी मेकअप अप्लाई करेंगे तो आपका फेस एक फ्रेश फ्लावर की तरह लगेगा। और कंसीलर भी सेम होना चाहिए, डजेंट मैटर कि आपका फेस का वो सेम कलर हो या फाउंडेशन लाइट हो। अगर आप एक शेड लाइट फाउंडेशन ले रहे हैं तो दो शेड लाइट कंसीलर लेना बनता है, और इसको आप सिर्फ अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही लगाएंगे, कंसीलर को ज़्यादा रोल ऑन नहीं करते, वरना वो पैची हो जाता है। ये जो कंसीलर है ये भी स्विस ब्यूटी का ही है, और इसका कंसीलर जो है थोड़ा सा येलो अंडरटोन में आता है, तो आई थिंक इट इज़ परफेक्ट फॉर इंडियन स्किन टोन। तो अब हम यूज़ करेंगे एक ब्रश, या आप स्पंज भी ले सकते हैं। लेने के बाद आपको सिर्फ उसको टैप करना है, चाहे आप ब्रश इस्तेमाल करो या फिर पाउच स्पंज इस्तेमाल करो या फिर आप अपने फिंगर्स को इस्तेमाल करो, उसको सब टैप करके आपको ब्लेंड करना है। नो सर्कुलर मोशंस, क्योंकि वो एक्सफोलिएशन हो जाएगा। आप ट्राई कीजिए अगर फिंगर्स इस्तेमाल करें तो और भी अच्छा, क्योंकि फिंगर्स का जो वार्मनेस होता है वो फाउंडेशन और कंसीलर को ब्लेंड करने में मदद देता है। सिर्फ टैप करते हुए आप अपना पूरा कंसीलर ब्लेंड कर सकते हैं,
और टैप करने का फ़ायदा ये होता है, पहली बात जो अंडर फाउंडेशन है वो इरिटेट नहीं होता, कंसीलर का जो यू नो क्वांटिटी है वो इवेनली पूरे एरिया में स्प्रेड होता है, प्लस सर्कुलर मोशन की वजह से एक ब्रश का जो स्ट्राइक होता है वो नहीं होता, प्लस स्पंज में भी कभी कभी पैचेस पड़ जाते हैं वो भी नहीं होता। सो ट्राई कीजिए कि टैप करते हुए सारी चीज़ें ब्लेंड करना, फाउंडेशन हो या कंसीलर हो, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कवरेज देने का फ़ायदा और रूल यही है। इसके बाद अगर बाई चांस आपको फाउंडेशन पैची लगे तो आप टोनर एक बार स्प्रे करके फिर उसको ब्लेंड कर सकते हैं, नो नीड टू रिमूव योर मेकअप। तो इसके बाद जब आपका बेस हो जाए एक स्पंज की मदद से फिर से उसे ब्लेंड कर ले अच्छे से, ताकि जो भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन या कंसीलर है वो स्पंज सक कर लेगा। इसलिए व्हेन यू आर डूइंग द कवरेज डू द ब्रश देन ब्लेंड इट विथ स्पंज। उसके बाद मेरा जो शेड है आप देख रहे हैं ऑब्वियसली लाइटर, तो ये जो है सेट नहीं करेगा, ये स्वेट के साथ निकल जाएगा, तो इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकते हो, मगर कॉम्पैक्ट पाउडर जो है खुद का एक शेड रहता है उसमें। अगर आप ट्रांसलूसेंट यूज़ कर रहे हो सो परफेक्ट, वरना आप मेरी तरह लूज पाउडर यूज़ करो। ये एक वाइट टोन का पाउडर है, डजेंट मैटर कि आप वाइट टोन का ही यूज़ करो, कोई भी लूज पाउडर इज़ द की। माय फेवरेट वाज द नवरत्न का पाउडर बिकॉज इट वॉज कूलिंग प्लस इट वॉज सेटिंग, मे बी यू आर स्माइलिंग बट या आई रियली लव दैट प्रोडक्ट, क्योंकि वही मेरे पास था, क्योंकि वही मेरी माँ यूज़ करती थी, तो या दैट्स फनी। तो इसके बाद एक कॉम्पैक्ट का जो स्पंज होता है उससे ब्लेंड कर ले, ज़्यादा पाउडर यूज़ ना करें वरना वो आपको फिर पैची बना देगा, थोड़ा सा ही पाउडर स्प्रेड करके उसको अप्लाई कर ले। So this is base makeup for a all day set plus a brighter look. So don't forget to subscribe to my channel and also follow my makeup rules and also tell me कि आपको ये सारे rules कैसे लगे, आपको कितने पता थे और आपको कितना नई सीख मिली। So thank you so much. Bye.